अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक क्रीम शेयर करूंगी। टाइटल और थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैं एंटी मार्क्स, डार्क सर्कल्स और फ्रैकल्स, डार्क स्पॉट्स के लिए एक ही क्रीम शेयर करूंगी जो कि इन तमाम इशूज़ को टारगेट करती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपनी आज की वीडियो की तरफ। लेकिन एक बात मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी वीडियो के स्टार्ट में कि वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि अभी जो क्रीम मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप स्किप कर करके वीडियो देखोगे तो हो सकता है आपसे कोई पॉइंट मिस हो जाए और आप मिस गाइड हो जाए, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों के साथ क्रीम शेयर करने लगी हूँ। वो इतनी कोई खास महंगी नहीं है, आपको मार्केट में कहीं से भी आसानी से मिल जाएगी, किसी भी मेडिकल स्टोर से या किसी भी मार्ट से या किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से आपको मिल जाएगी। मैं बात कर रही हूँ पार्ले नो मार्क्स क्रीम को। देख के बहुत सी लड़कियाँ मुझे ये कहेंगी आप ही ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्रीम है अगर किसी ने यूज़ की हुई, लेकिन अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल की जाए ये इतनी ज़्यादा नो डाउट ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्रीम है। लेकिन बात वही है कि अगर आप इसको इसके हदायत इंस्ट्रक्शन के मुताबिक इसको यूज़ करें तो ये आपको कभी भी आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगी। मैं खुद यूज़ करती रही हूँ, अब मैंने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि बहुत सी प्रोडक्ट यूज़ करनी होती है तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलता। और ये क्रीम मैं यूज़ करती थी जब मेरा यूट्यूब पे चैनल नहीं था। अच्छा, इसकी पैकिंग कार्डबोर्ड की इसकी पैकिंग है, लेकिन वो अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे वीडियो बनानी पड़ जाएगी। तो ये आपको इस तरह की ट्यूब पैकिंग में मिलती है और आप देख सकते हो अब इसमें एयर है। तो आप देख सकते हो मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ। ये पार्ले नो मार्क्स क्रीम है और बहुत सी लड़कियाँ इसको वाइटनिंग के लिए यूज़ करती हैं जबकि ये वाइटनिंग के लिए नहीं है। अगर आपको डार्क स्पॉट्स है, आपको फ्रैकल्स हैं, आपकी स्किन पे किसी तरह के ब्लेमिशेज हैं, आपकी स्किन जहाँ से डार्क हो चुकी है, आपके माउथ के पास से आपकी स्किन डार्क है, आपकी स्किन अनइवन है, ये उसके लिए है। लेकिन बहुत सी लड़कियाँ इसको वाइटनिंग के लिए अपने फेस पे रात को अप्लाई करके सोती हैं। इसको रात को ही अप्लाई करके सोना है, लेकिन इसको यूज़ कर कैसे करना है ये आप लोग देख रहे हो। मैं यूज़ कर चुकी हूँ, अभी मैंने बताया मैंने छोड़ी हुई है। मैं पहले इसको अपने मार्क्स के लिए यूज़ करती थी क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो मुझे एक्नी वगैरह होती रहती थी, तो बाज़ दफ़ा उसके डार्क स्पॉट होते थे। अच्छा, आपको इसका मैं टेक्सचर भी दिखाती हूँ। इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल लाइट सा पेल है, ठीक है। अच्छा, ये क्रीम जो है ना, ये खुद ये क्लेम कर रही है कि आपने इसको बहुत थोड़ी अमाउंट में लगानी है। मींस कि अगर आपको, जैसे आपको यहाँ पे एक मेरे पिंपल का निशान नज़र आ रहा है, ये बहुत लाइट सा, अब फर्ज करें मैंने यहाँ पे जस्ट अप्लाई कर दी है, ठीक है। अप्लाई करके मैं इसको इस तरह बिल्कुल फिंगर टिप से बिल्कुल लाइटली सा इस तरह डैप डैप में इसका मसाज करूंगी। आपने रगड़ना नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपने आपको जहां जहां डार्क स्पॉट्स हैं आपने इसको वहां अप्लाई करनी। ये आप लोग देख रहे हैं, ये इस तरह, बस आपने इसको इस तरह करके नहीं रगड़ना, ठीक है, वरना ये आपकी स्किन को डैमेज करेगी। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर रही हूँ और इस ये क्रीम खुद ये बात क्लियर कर रही है कि आपने इसकी अमाउंट बिल्कुल थोड़ी सी लगानी है, भर के नहीं लगानी। और इसको अप्लाई करने के बाद आपने हीट के पास नहीं जाना। ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जस्ट अभी आजकल मैं इसको जस्ट यहाँ पे अप्लाई करके सो रही हूँ। बस आपने इसको पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करना। अगर आपकी स्किन जहाँ से डार्क हो चुकी है बहुत ज़्यादा तो आपने यहाँ पर इसको ऐसे अप्लाई कर लेना है, बहुत ज़्यादा आँख के नज़दीक नहीं, आँख से दूर, ठीक है। अगर आपके चीक्स पे, यहाँ पर अगर आपके चीक्स पे निशान है तो आपने क्रीम लेनी है इस तरह और इसको इस तरह अप्लाई करना है। अगर आपके फोरहेड्स पे फ्रैकल्स हैं, आपके चीक्स पे, आपके चिन पे, आपके अपर लिप्स पे डार्क स्पॉट्स हैं, कुछ किसी भी तरह के निशान हैं तो आपने इस तरह। और जब आपको रिजल्ट मिलने लग जाए तो जो मेन पॉइंट है कि आगे आगे शुरू में आपने अपनी स्किन टाइप के हिसाब से इसको डेली यूज़ करनी है और बहुत थोड़ी अमाउंट में भर के यूज़ नहीं करनी। सेकंड पॉइंट ये कि जब आपको रिजल्ट मिलने लगे, आपको अपनी स्किन में चेंज नज़र आने लगे तो आपने इसको फिर स्किप कर करके डेज वाइज आपने इसको यूज़ करनी है। जैसे वाइटनिंग क्रीम हम
2 दिन लगाते हैं, फिर 3 दिन स्किप करते हैं, 1 दिन लगाते हैं, 2 दिन स्किप कर देते हैं, इस तरह। और फिर जब आपकी स्किन नीट एंड क्लीन हो जाए तो फिर आपने इसको छोड़ देना है, आपने इसको मुसलसल यूज़ नहीं करना। ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्रीम है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। अगर आप इसको मुसलसल यूज़ करते रहोगे तो आपकी स्किन पील ऑफ हो जाएगी, ये चीज़ भी मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। ऐसा ना बहुत सी लड़के इसको यूज़ करती रहे और जो स्किन है ना वो पतली हो जाए और आपकी वेंस नज़र आने लग जाए। ये वो पॉइंट है जो मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि स्किन का मामला है, तो ऐसा ना आप लड़कियां मिस गाइड हो जाए, इसलिए कह रही वीडियो पूरी देखिएगा। तो फिर आप इसको छोड़ दें। फिर जब आपको कभी फ्रैकल्स या डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, स्किन चेंज होती रहती है, कभी स्किन पे एक्नी होती है, कभी स्किन पे डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं किसी भी तरह के, कभी सनलाइट की वजह से हमारी स्किन डार्क और सन स्पॉट्स पड़ जाते हैं, तो जब आपको किसी तरह का इस तरह का कोई इशू नज़र आए अपनी स्किन पे, आप यूज़ करो। जब वो इशू ख़त्म हो जाए, आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, फिर आप इसको स्किप कर दो। फिर वही बात मैं बार बार कहूँगी कि आपने इसको डेली बेस पे रिजल्ट मिलने के बाद डेली बेस पे यूज़ नहीं करना, इसको छोड़ देना। बहुत थोड़ी अमाउंट में यूज़ करनी है और भर भर के नहीं लगानी, हल्का हल्का मसाज करना है और रगड़ना नहीं है, इस तरह करके अप्लाई करने के बाद हीट के पास बिल्कुल नहीं जाना। और जब ये वाली क्रीम आप यूज़ करो, इसके साथ आपने कोई भी और सीरम, कोई भी और क्रीम, कुछ भी आपने अप्लाई नहीं करना, इवन कि आपने इसके साथ कोई मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई नहीं करना। इसकी बात करें तो इसकी जो प्राइस है ये आपको 300 तक की, कहीं से भी 280 या 290 या 300 इतने की, क्योंकि ये मेरे पास पड़ी हुई थी तकरीबन 4-5 महीने से पड़ी हुई थी। ये मैंने ली थी समर सीज़न में, क्योंकि समर सीज़न में मुझे डार्क स्पॉट्स 1-2 ऐसे हो गए थे जो मैंने पिंपल खुद से ख़त्म किए थे टिश्यू पेपर से दबा के, तो उसके जो स्पॉट्स हैं ना वो नहीं जा रहे थे, तो ये मैंने तब बाय की थी। तो ये आपको 300 तक की मार्केट में कहीं से भी, पार्ले नो मार्क्स, आप बेशक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कहीं से भी मिल जाएगी। लेकिन यूज़ उसी तरह करनी है जिस तरह मैंने बताई है, अपनी तरफ से कोई भी जो है ना वो नहीं करना, एक्सपीरियंस नहीं करना है, ठीक है। आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।